भैया मेरे को एक गाड़ी लेनी है, कौन सी लूँ, पेट्रोल या ईवी? देखो ये डिसाइड करना होगा आपको, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप 5 साल गाड़ी चलाते हो, ये गाड़ी आपकी अगर चल जाती है 40 से 50 हजार किलोमीटर, ये भी चल जाती है 40 से 50 हजार किलोमीटर, तो ये गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जितनी लगेगी वो लगेगी 10 से 12 हजार की। वही बात की जाए इसकी, जो कि पेट्रोल गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा लगभग 1,10,000 रुपए से ज्यादा का। इसके बाद आपकी सर्विस चार्ज भी है, इसके अंदर सर्विस चार्ज ज्यादा है, इसके अंदर सर्विस चार्ज बिल्कुल मिनिमम। दूसरी चीज आपको डिसाइड करना होगा कि आपका डेली का रनिंग कितना है। अगर आपका डेली का रनिंग 40 से 50 किलोमीटर ही है, आपको कहीं गाँव में नहीं जाना पड़ता या फिर आपको दूसरी सिटी में नहीं जाना पड़ता, आपका मतलब डिस्टेंस इतना ट्रेवल नहीं करता है कि 200-250 किलोमीटर चला जाए, तब तो आप ये ले सकते हो। अगर आपका डेली का डिस्टेंस मतलब ऐसा होता है कि आपको कई बार अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ता है, अपनी बाइक को लेके जाना पड़ता है, एक्टिवा को लेके जाना पड़ता है, तो आप एक्टिवा लो, क्योंकि इसके अंदर आपको चार्जिंग के इशूज आ सकता है कि आपको हाइपर चार्जर हर जगह नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाएगा। तो ये सिंपल से 2 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है और आपको फाइनल डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या लेनी है, पेट्रोल या फिर ईवी।